हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल हर्षित यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा एंड कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, और उस चीज़ की आज के टाइम पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। यस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं या आपका अभी नया नया यूट्यूब चैनल है और आपका ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है, तो ऐसे में स्लो इंटरनेट की आपको दिक्कत डेफिनेटली आती होगी। आप कोई भी सिम यूज कर लो, आपको अपलोड स्पीड अच्छी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सबसे अच्छी सिम जो कि यूट्यूबर के पास होनी चाहिए। जो सिम बताऊंगा उसमें आपको सबसे अच्छी अपलोड स्पीड देखने को मिलेगी। एंड अगर आप यूट्यूबर नहीं है फिर भी इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि किस सिम में कितनी हमें अपलोड स्पीड मिलती है, कितनी डाउनलोड स्पीड मिलती है, किसका नेटवर्क अच्छा है, हमें क्या यूज करना चाहिए। तो बेसिकली ये वीडियो है यूट्यूबर्स को टारगेट करके। अब एक्चुअल में आप ये कंपेयर मत करना कि मैं जो सिम की स्पीड बता रहा हूँ वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन से भी हाई होगी, तो ये आपका गलत है। क्योंकि जब नए यूट्यूबर होते हैं तो काफी लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है जिससे कि वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा पाए, और सबसे अच्छा तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, वो बात अलग है। लेकिन वो जब आप बड़े यूट्यूबर बनना, कुछ भी हो तब करना, ठीक है। तो शुरुआत में आप सिम ही से स्टार्ट करोगे, तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताएंगे कि बेस्ट सिम कौन सी है यूट्यूबर्स के लिए। तो जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना। और मैं बताने वाले कौन होता हूँ, पिछले 2 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, एंड जब मैंने सिम का यूज किया था तब मैंने भी यूट्यूब पर ये चीज सर्च की थी कि कौन सी अच्छी सिम है, बट मुझे एक प्रॉपर वीडियो कोई भी नहीं मिला जिससे कि मैं जज कर पाऊँ कि किस सिम में हमें अपलोड स्पीड अच्छा मिलेगा। तब जाके मैंने एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन सब यूज कर चुका हूँ, उसके बाद इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। बट उससे पहले अगर पहली बार आ रहे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों यूट्यूबर की जो सबसे बड़ी बेसिक नीड होती है वो होती है एक अच्छी अपलोड स्पीड। एंड इसीलिए जो नंबर फर्स्ट जो सिम बताने वाला हूँ उसमें इंडिया में सबसे हाईएस्ट अपलोडिंग स्पीड है। आप कहीं भी रिसर्च कर लेना, यूज करके देख लेना, एंड बाकी मैं प्रैक्टिकली कर चुका हूं और वो कर भी रहा हूं यूज अभी, क्योंकि अभी तक मेरे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। तो नंबर फर्स्ट पर जो मैं सिम रखना चाहूंगा वो है वी आई सिम, जिसका नाम पहले वोडाफोन आइडिया था, उसका वी आई हो गया। नंबर फर्स्ट पर मैंने क्यों रखा, इसके 2 से 3 रीजन है, सुनिए। पहली चीज, एक यूट्यूबर को सबसे अच्छी अपलोड स्पीड चाहिए, इसमें सबसे अच्छी अपलोड स्पीड है। सेकेंड, मुझे चाहिए एक अच्छा नेटवर्क, घर के किसी भी कोने में बैठता हूँ मुझे फुल नेटवर्क चाहिए, तो वोडाफोन आइडिया जो कि अब वीआई कंपनी है वो मेरे एरिया में उत्तर प्रदेश, बाकी मैंने दिल्ली में भी यूज करके देखा, हर जगह यूज करके देख चुका हूँ, अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा अपलोड स्पीड। एंड थर्ड चीज जो है वो बस यही है कि अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो मैं इनकी सर्विस भी ले चुका हूँ, मैंने एक बार कंप्लेन की थी तो मेरे एरिया में आ गया था बंदा सही करने से, मेरे को कॉल तक किया था कि मैं नेट टावर के पास खड़ा हूँ, आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए मेरे को नंबर फर्स्ट में वी आई सिम रखना पड़ा, क्योंकि एक यूट्यूबर की जो सबसे बड़ी बेसिक नीड होती है दैट इज अपलोड स्पीड, एंड इसमें आपको अपलोड स्पीड बेस्ट मिलेगी। डाउनलोड स्पीड बेकार नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी आपको वो भी, बट सबसे अच्छी नहीं मिलेगी। 2 चीज़ें होती हैं, या तो बंदा सबसे अच्छा है या बंदा बहुत बेकार है। जो वोडाफोन आइडिया अपलोड स्पीड सबसे अच्छी है, कोई बराबरी नहीं कर पाया अभी तक, बट जो डाउनलोड स्पीड है उसमें बराबरी कर पाया है और थोड़े थोड़े आगे भी निकले हैं अदर कॉम्पिटिटर। तो समझ रहे, डाउनलोड स्पीड अपलोड स्पीड आपको कुछ भी दुखी नहीं करेगा, डाउनलोड स्पीड आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आपको कुछ भी शिकायत नहीं आएगी, एंड अपलोड स्पीड तो है ही बेस्ट। तो नंबर सेकेंड पर जो सिम रखना चाहूँगा वो है एयरटेल। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं पर्सनली एयरटेल को पसंद करता हूँ, बट नहीं करता हूँ, यूज नहीं करता हूँ, यूज करके देख चुका हूँ मैं। मैंने शुरुआत में मैंने यूट्यूब पर इतना रिसर्च किया भैया कि कोई हमें बता दो कि हम यूट्यूबर हैं, हमें कौन सी सिम लेना चाहिए अपलोड स्पीड अच्छा मिले, कोई वीडियो नहीं मिली मेरे को। तब जाके मैंने जियो भी यूज किया, एयरटेल भी यूज किया, एंड एट लास्ट मैंने आइडिया का सिम यूज किया। उस टाइम मेरे को पता चला कि ये सिम बेस्ट है। अब एक्चुअल में एयरटेल नंबर सेकेंड पर इसलिए है क्योंकि काफ़ी एरियाज में आपको वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क हल्का स्लो मिलेगा, जो कि आज के टाइम पे मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसा स्टेट है जहां पर आपको आइडिया वोडाफोन जो कि वीआई कंपनी उसका आपको अच्छा नेटवर्क ना मिले। अप्रोक्स हर जगह इंडिया में आज के टाइम पे सबसे बेस्ट नेटवर्क चल रहा है वो है वोडाफोन आइडिया, जी हाँ, ठीक है। बट किसी एरियाज में एयरटेल का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, कुछ गाँव हैं जैसे कि गाँव हैं, एक त्यागी जी टेक चैनल है, उनसे मेरी बात हुई तो उनके एरिया में जियो का नेटवर्क है एंड सेकंड एयरटेल का नेटवर्क है, उसके अलावा आइडिया वोडाफोन का नेटवर्क नहीं है।
तो ऐसे कुछ जगह पे एयरटेल वर्क कर सकता है, वहां पर एयरटेल की भी अपलोड स्पीड अच्छी है एंड डाउनलोड स्पीड में एयरटेल नंबर वन है, नंबर वन नहीं है, नंबर वन था बट एट प्रेजेंट नहीं है, एट प्रेजेंट जियो आ गया नंबर वन पे अब डाउनलोड स्पीडिंग में, ठीक है। तो समझ रहे एयरटेल की डाउनलोड स्पीड आपको काफी अच्छी है, बट कुछ एरियाज में जहां पर वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क नहीं है वहां के लिए एयरटेल बेस्ट हो सकता है। मैं पर्सनली बात करूं, जब मैंने प्रैक्टिकली सभी सिम यूज कर चुका हूं तो मैं आपको बता देता हूं एयरटेल का जो नेटवर्क है मेरे यहां तो बहुत बेकार है। ऐसी बात नहीं है कि टावर नहीं, टावर मेरे घर के पीछे लगा है। अगर आप कहो तो मैं आपको ब्लॉग बना के दिखा सकता हूं कि घर के पीछे टावर लगा है एयरटेल, उसके बावजूद जब छत पे जाओ तब फुल नेटवर्क आता है, नीचे चले जाओ तो नेटवर्क नहीं आते हैं फुल, समझ रहे हैं। इसलिए क्योंकि पचकुट एरिया में जैसे कि मध्य प्रदेश की बात कर लो वहां पर काफी अच्छा नेटवर्क है एयरटेल का, तो इसलिए सेकंड नंबर पर रखा। नंबर थर्ड नेटवर्क की बात करें, जो नंबर थर्ड है मैं उसको ना नंबर थर्ड पे रखना चाहूंगा और ना नंबर उस पे सेकंड पे रखना चाहूंगा, उसको मैं फर्स्ट पे भी रखना चाहूंगा एंड सेकंड पे भी रखना चाहूंगा, वो मैं एज अ कंपल्सरी नेटवर्क रखना चाहूंगा। ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो मैंने क्या कहा, जियो जो सिम है जियो में आपको ना अच्छी डाउनलोड स्पीड मिलेगी ज्यादा ना अच्छी अपलोड स्पीड मिलेगी, बट मैंने ये नहीं कहा कि जियो का नेटवर्क अच्छा है, जियो का नेटवर्क सबसे अच्छा है। आप इंडिया में किसी भी कोने पे चले जाओ, हो सकता है एक ऐसा कोना आएगा जहां पर आपको एयरटेल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, आइडिया वोडाफोन का नहीं मिलेगा, बट जियो का डेफिनेट नहीं मिल जाएगा। क्योंकि मैं गाँव में जाता हूँ, नानी के घर जाता हूँ, तो वहां पर आज से एक तीन चार साल पहले कोई नेटवर्क नहीं था, बट वहां पर भी आज जियो का नेटवर्क लगा है, जियो का टावर लग गया है। तो इसलिए ये तो आपको एक कंपलसरी नीड है, कभी आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहां पर आपको किसी का नेटवर्क नहीं मिला तो वहां पर आपको जियो डेफिनेटली मिल जाएगा और अपलोड स्पीड बहुत झेलना पड़ेगा आपको, वो अलग बात है, बट आपको नेटवर्क डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं अगर आपके पास पैसे हैं तो जियो भी रखो एंड एयरटेल एंड वीआई सिम में से कोई एक रखो, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको जरूर बता दूंगा। चलिए दोस्तों जुड़ो मैं तई, अगर ये वीडियो आपको पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।